सैटरडे को एक काम कंडक्ट हुआ, संडे को छुट्टी होती है, मंडे को मेरे को कॉल आती है फूडार्ट की कंपनी को, यदि आपकी कंपनी आपकी गाड़ी में ऐसे ऐसे ताला टूटा है और आपका ड्राइवर इन्वॉल्व है, तो 27 तारीख को मैं यहाँ पर आता हूँ जब अपना देहरादून आए। अभी तक हम सुन रहे थे कि यूके SSSC और यूके PSC की परीक्षाओं में धांधली हो रही है, लेकिन अब IELTS की परीक्षा में भी धांधली सामने आई है। और कैसे धांधली का पूरा खेल रातों रात फिल्मी स्टाइल में होता है वो आपको हम बताने वाले हैं, और साथ ही आपको बताएंगे कि IELTS होता क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूँ आपके साथ सरिता तिवारी। आज बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बोई पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रकरण का खुलासा किया और पूरा खेल बताया। पहले आपको यहाँ पर बताते हैं कि IELTS है क्या। IELTS एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है जिसकी आवश्यकता विदेश में पढ़ाई करने जाने वाले छात्रों को होती है, और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अब इस परीक्षा में धांधली कैसे हुई, तो बॉबी पवार ने बताया कि 25 फरवरी 2023 को IELTS की परीक्षा आयोजित होती है, फिर उसी रात परीक्षा की आंसर शीट जिस गाड़ी में यानी कंटेनर में जाती है उस गाड़ी को दो गाड़ियां रोकती हैं, और मोहन के पास रोककर गाड़ी के डिजिटल लॉक तोड़े गए और उसमें से आंसर शीट निकाल ली गई है। उस गाड़ी के ड्राइवर ने खुद ये कहा है कि उसे 30 लाख का लालच दिया गया और लालच में आ गया और उसमें सम्मिलित था। ड्राइवर ने बताया कि दोनों गाड़ियां उस रात उसकी गाड़ी के साथ साथ चलती रहती हैं। आपको ये बता दें कि गाड़ी आंसर शीट लेकर बताया जा रहा है कि गाजियाबाद की तरफ जा रही थी, और सफर के 6 घंटे के दौरान ये पूरा खेल होता है। अब ड्राइवर से सुनिए उस रात क्या हुआ। मैं जितंदर में गाड़ी आज 10 साल से चला रहा हूँ। 2 साल से मेरे को बंदे परेशान कर रहे हैं। 30 लाख रुपए के लालच में हमने गाड़ी खुलवाई। गाड़ी नंबर 8707 पूरा नंबर DL1L AA 8707 गाड़ी मैंने खुलवाई। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर। कितने बजे लगभग? लगभग ये 12:15। कितने बजे? ये सर ताला खुलने का पता नहीं, गाड़ी मेरे 5:21 पर रुकी गाड़ी। ऑफर मेरे को 2 बजे मिला था कि आपका ताला खुल चुका है, सील कर चुकी है। तो आपने गाड़ी कहाँ खड़ी की थी? मुजफ्फरनगर। वो वहीं आके बोले थे? हाँ। क्या बोले? ताला खुल चुका है, सील टूट चुकी है। सील कर चुकी थी, बोले ताला ताला भी तुम्हारे सामने काटा है वो ताला। नहीं, सील को मैंने नहीं जान पाया था। तो आप कहाँ थे उस टाइम? गाड़ी चला रहा था, सील घाटी में या कहीं भी कटी है गाड़ी, जैसे आप यहाँ कहीं गाड़ी नहीं हमारी रुकी है गाड़ी, मगर ये बैरियर पे ही आते ताला खोला गया मेरा। कौन सा बैरियर? ये यहाँ घाटी घाटी में। नाम बोलो ना। यूपी बॉर्डर वाला बॉर्डर। अच्छा, ये वाला नाम बोल देना कौन सा? पहाड़ी वाला। घाटी उतरते हुए यूपी बॉर्डर पहाड़ी उत्तरांचल वाला बॉर्डर। उत्तरांचल का बैरियर पे जाम लगने के कारण में सील काटी गई और वहीं पे ताला भी खोला गया। आपको पता नहीं चला? नहीं। कैसे पता नहीं चला? मैं तो गाड़ी चला रहा था। अच्छा, फिर आपको कैसे पता चला? 2 बजे आपको कॉल आई है? मेरे को 2 बजे कॉल आई है। 2 बजे कॉल आने के लिए मैंने टूल कटाया, देवबंद वाला पार किया। 2 बजे देवबंद वाला? दो बजे करीब मैंने वो टूल पार किया। मेरे पास गाड़ी लगाई गई आगू, बोले गाड़ी रोको, लाल बत्ती की गाड़ी थी। गाड़ी रोकी, हमने क्या बात है? बोले तुम्हारी सीट की सील काट दी। मैं गाड़ी से उतरा, वैसे मेरे को गाड़ी में डाला गया, गाड़ी से हैंडवेयर, दूसरा ड्राइवर गाड़ी चलाई, फिर जाके ये मुजफ्फरनगर अस्पताल में मैं परमानेंट गाड़ी चला रखता हूँ, वहाँ पे खड़ी करता हूँ डेली गाड़ी, वहाँ पे मेरे को खड़े करके उनकी भी गाड़ी वहीं पे खड़ी रही कम से कम 20 मिनट के लगभग, फिर वहाँ से चल दिए। 7 बजे करीब ये 5 बजे करीब ये सोनीपत गाड़ी मेरी पहुँची, मेरे को पहुँचाया इन्होंने वही 7 बजे करीब वहाँ पे पीछू गाड़ियों में, बोले गाड़ी तुम्हारी चल रही, कोई टेंशन नहीं तुम्हें है। ये गाड़ी में ड्राइवरी को कर रहा, दूसरा कर रहा था ड्राइवर, आपने आपको इनकी अपनी गाड़ी में रख लिया था? हाँ, देवबंद टूल पार करके मेरे को गाड़ी से गिरफ्त कर लिया गया था। वहीं इस गाड़ी के मालिक संदीप ने बताया कि 27 फरवरी को उनके मित्र देवेंद्र कपूर के द्वारा 100 नंबर पर रेड फ्लैग किया गया, जिसके बाद पटेल नगर थाना देहरादून के द्वारा संज्ञान लिया गया। ड्राइवर जितेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि ड्राइवर की संलिप्तता इस प्रकरण में है, और इसके बाद चौकी इंचार्ज इसमें ये कहकर अग्रिम कार्रवाई नहीं करते हैं कि ये मामला जिस क्षेत्र में घटना घटी हो वहां पर रिपोर्ट की जाए, और दूसरा ये कहा कि ये तो प्राइवेट सेक्टर की परीक्षा का मामला है तो उसे दरकिनार कर दिया। इसके बाद वो 28 तारीख को बिहारीगढ़ थाने पहुंचे, जहाँ वहां पर भी यही रवैया अपनाया गया और शिकायत को दर्ज नहीं किया गया।
जिसके बाद आज बॉबी पवार और संदीप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा वाक्य बताया। ड्राइवर इस टाइम अपने घर पे है, 27 तारीख को हमें पता चलता है, तो हमने 27 तारीख को ही रात को 100 नंबर पे कॉल करी, तो दो पुलिस वाले वहाँ से अपने आते हैं अपना बाइक पे, तो उसको चौकी पे लेके जाते हैं, चौकी बाजार जो थाना अंतर्गत आता है पटेल नगर के, और ड्राइवर ने उनके सामने भी मतलब कि कन्फेस करा कि मैंने ये काम किया है। उसके बावजूद उन लोगों ने मतलब कि उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। हो सकता है अगर वो एक्शन लेते तो, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस है, ज़रूरी नहीं है कि आईलेट्स के पेपर तक ही सीमित होगा, ये हो सकता है कि सरकारी पेपर भी लीक आउट करते होंगे और अपना आंसर शीट्स वगैरह चेंज करते होंगे। इन्होंने अगर ये उसी टाइम कार्रवाई करते तो हो सकता है कि आज ये गिरफ्त में होते बंदे। ये घटना स्थल बता दीजिए, जो आपने ये भी कहा था कि जो गाड़ी को पीछे से ये गाड़ी नंबर वगैरह, गाड़ी को उन्होंने दिखाने के लिए भी गाड़ी लेट क्यों हुई है, तो उन्होंने यहाँ गाजियाबाद के पास गाड़ी को एक मतलब कि फेक एनकाउंटर उसका गाड़ी का दिखाया भी, हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, जिसके अंदर उसने ना तो गाड़ी नंबर आया और ना फोटो आई उनकी। और बाकायदा ये है कि वो थाने के अंदर भी उस बंदे के फ़ोन आते रहे, जिस बंदे ने पेपर लीक आउट कराया था वो वॉइस कॉल करता रहा है उस पर, उसके ड्राइवर को लालच कितने का दिया गया, ड्राइवर को 30 लाख रुपए का लालच दिया गया था, उसको 5,000 रुपये नकद दिया उन्होंने और 5,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा, 30 लाख रुपये उसको बैग में पैसे भर के उसको दे दिए गए, यहाँ पर इधर मोंड के पास उसको पैसे दे दिए गए, और जहाँ गाड़ी पहुँची अपना गाजियाबाद तक गाड़ी पहुँची तो उससे वो बैग उन्होंने वापस ले लिया, भाई तू गाड़ी खाली करके आएगा तो हम तेरे को बैग वापस दे देंगे। और जब वो गाड़ी खाली करके एयरपोर्ट पे बाहर आता है तो वो देखता है उनकी गाड़ियाँ खड़ी नहीं थी, वो चले गए थे गाड़ियाँ लेके, उसको बेवकूफ़ बना गए उसको। हाँ जी, ड्राइवर ने जो नाम बताया था उसमें एक नाम था विक्की, और उसका फ़ोन नंबर वगैरह भी हमने इनको पुलिस वालों को उपलब्ध कराया था, गाड़ी नंबर फ़ोन नंबर सारी चीज़ उपलब्ध कराई थी इनको, और उसकी कन्फेशन की हमारे पास वीडियो भी है उसकी ड्राइवर की। आईलेट की जो परीक्षा हुई थी 25 फरवरी 2023 को, उसमें जो ट्रांसपोर्ट के दौरान जो उत्तर प्रदेश सीमा लगते ही मोंड में जो उनका लॉक तोड़ के ई लॉक तोड़ा गया था और उसे गाजियाबाद में जाकर रीफिट किया गया था, उसके पूरे साक्ष्य हैं। ड्राइवर को जो 30 लाख का लालच दिया था और 5,000 रुपये उसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की गई थी, उसके साक्ष्य भी है। और ये देखिए कि पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता, वो चाहे उत्तराखंड पुलिस हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो, यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस ने जब ड्राइवर को गिरफ्तार किया था उसके बाद 12 घंटे से अधिक उसे रात को और दिन भर बिठाए रखा, परंतु मामला गंभीर था, मामला बड़ा था, ये लोग वहाँ तक हाथ नहीं डालना चाहते, क्योंकि एक होता है कि राज्य गिरोह, राष्ट्रीय गिरोह और एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह, ये तीनों गिरोह ही इसमें मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा गिरोह है। 80 से 90% जो केस सॉल्व हो चुका था, अगर पुलिस चाहती, उत्तराखंड पुलिस चाहती या उत्तर प्रदेश पुलिस चाहती तो इनके कड़ी को जोड़ के इसे तोड़ सकते थे, परंतु इन्होंने बिल्कुल भी अपने उसमें कार्यशैली में कोई इस प्रकार की गंभीरता नहीं दिखाई जिससे इनको वो करा जा सके। मैं ऋषिकेश में आईएलटीएस एकेडमी एक रन कर रहे संजय सिलसवाल ने बताया कि उनके यहाँ भी बच्चों को भी ऐसे ही ऑफर आते हैं, और साथ ही उन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया कि परीक्षा कैसे होती है और परीक्षा के बाद आंसर शीट कहाँ और कैसे पहुँचती है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय सिलसवाल है, मैं आईएलटीएस ऋषिकेश से हूँ, और हम लोग यहाँ ऋषिकेश उत्तराखंड में आईएलटीएस की क्लासेस देते हैं। जो बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ने के लिए या जॉब के लिए जाते हैं उनको एक एग्जामिनेशन होता है, जो इंग्लिश एक एग्ज़ाम होता है जो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसको ब्रिटिश काउंसिल बेसिकली लेती है इंडिया में, उसके लिए IDP टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी एक खबर मिली है कि 25 तारीख को जब पिछले महीने एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम की जो कॉपीज़ होती हैं देहरादून सेंटर्स की, अगर हम लोग बात करें देहरादून सेंटर से जब कॉपी कलेक्ट होती हैं, और वो जो हमारा सेंट्रल ऑफिस है IDP का गुड़गांव में, वहाँ के लिए जब वो कॉपीज़ जाती हैं तो उन कॉपीज़ की जो शीट है OMR जो शीट होती है, उस शीट के साथ टैम्परिंग की गई है रास्ते में रोक करके गाड़ियों को, ऐसी खबर आ रही है। और ये अगर ऐसा हुआ है तो ये वाकई बहुत ख़तरनाक है, और इस तरह से तो जो भी टेस्ट की एक जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठ जाते हैं, और इस तरह की चीज़ें पहले हम लोग गुजरात और पंजाब में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती थी, लेकिन अगर ये उत्तराखंड में भी हो रहा है तो ये वाकई बहुत शर्मनाक है, और मुझे लगता है कि इस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, पुलिस को बड़ा इसमें स्ट्रिक्ट स्टेप उठाना चाहिए। और मैं स्टूडेंट से भी गुजारिश करूंगा कि वो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास, भी कई बार स्टूडेंट आकर के कहते हैं कि आपको उनको फ़ोन आए हैं कि आप इतने पैसे दीजिए और आपको आईएलटीएस क्लियर करवा देंगे, इस तरह की जो बातें हैं इससे बचिए, एक क्रिमिनल एक तरह का काम है, आप इस तरह की चीज़ों में ना फंसें, और अगर कुछ ऐसा होता है तो डायरेक्ट उसकी सूचना दीजिए, पुलिस को दीजिए, और जिसमें आपको
तरह से आप सहायता कर सकते हैं बहुत सारे लोगों की। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि 25 फरवरी की रात डिजिटल लॉक तोड़ने का सरगना कौन है और किसके शह पर ये पूरा खेल चल रहा है और वे अभ्यर्थी कौन है जो विदेश जाने के लिए ऐसे प्रपंच कर रहे हैं, क्योंकि बॉबी पवार ने यहां पर बताया कि इस परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी उत्तराखंड के ही थे और ये बेरोजगार संघ का कहना है कि विदेश में इन परिणामों पर भरोसा किया जाता है और अगर अब इसमें भी गड़बड़ियां सामने आएंगी तो विदेश में भारत की छवि खराब हो सकती है, संबंधों पर असर पड़ेगा। तो फिलहाल इसी के साथ आज का उत्तराखंड में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।